तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में मेरे को नाला हीरो पंटी 2 के टेलर का पता नहीं क्यों बनाया, लेकिन मुझे पता है मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसका टेलर। आप सभी को पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ मेरे तो वो टेलर है ना, एक चीज़ होती है ना, एक लेवल होता है जो कि अगर आप उम्मीद करते हो एक टेलर से कि वो टेलर ऐसा होगा और आपकी उम्मीद से वो बहुत ज़्यादा उभर के आता है तो यहाँ पे आता है, दिमाग में आता है। लेकिन अगर उससे भी उभर के आता है तो दिल में आता है। लेकिन ये वाला टेलर है ना, मेरे दिमाग में भी नहीं आया और दिल में भी नहीं आया, आया है मेरे आक्रो में। और सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी तक मैंने इस टेलर को 3 बार देखा है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे 2 ही है, लेकिन तीसरी बार देख के मेरे मेन पार्ट में भी वो घुस चुका है पूरी तरह। तो फिर भी आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, अपने टेलर वाले रिव्यू पे। तो सबसे पहले टेलर की बात करें तो टेलर की अच्छी बातें करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अच्छी बातें हमें देखने के लिए ज़्यादा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करें टेलर के BGM की, AR रहमान। टेलर का BGM ही सिर्फ पूरे टेलर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप सभी को भी पसंद आएगा। अगर आप हेडफोन लगा के देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम कूलिंग। और जो एडिटिंग की है ना, एकदम घटिया, इससे ज़्यादा घटिया एडिटिंग तो मैं करता हूँ अपने वीडियो की। लेकिन फिर भी मेरा तो वीडियो थोड़ा बहुत तो नहीं देखते लोग, कुछ भी नहीं देखते, लेकिन ये टेलर है, ये मुई लोग देखने जाने वाले हैं, तो इसकी एडिटिंग बहुत ज़्यादा अलग लेवल की होनी चाहिए। लेकिन जो टेलर की एडिटिंग है ना अब क्या ही बोलो टेलर की एडिटिंग के बारे में, इतनी ज़्यादा घटिया हुई है। लेकिन फिर सिद्दीकी सर का जो कुछ भी परफॉर्मेंस दिख रहा है ना, आग लगा दी पूरे परफॉर्मेंस में, उनकी परफॉर्मेंस ही पूरी टेलर की जान है। BGM एक साइड है, लेकिन जो टेलर का BGM और परफॉर्मेंस उनकी आती है ना एक साथ, वो आपका मन खुश कर देगा। लेकिन हाँकने वाले तो हाँकते ही रहते हैं, इसी कारण हम लोग उनको तो रोक नहीं सकते। हाँ एक बात होती है ना, अगर आप एक जगह पे हाँक रहे हो और उसी जगह पे आप खाना बना रहे हो तो बुरा तो लगता है। इसी तरह से मुझे AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कुछ भी उनका इस मूवी में इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगा, क्योंकि अगर आप पूरी टेलर में देखोगे तो टेलर की एडिटिंग घटिया है और जो पहला पार्ट है ना उसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग उसे फ्रेंचाइजी कह रहे हैं, फ्रेंचाइजी, कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजी क्यों। और पूरा टेलर हमें सिर्फ एक ही चीज़ बताता है, एक्शन, वो भी क्रिंजी। पता नहीं टेलर में हमें क्यों कहानी तो देखने को नहीं मिलती, ऐसी कहानी देखने को लिए मिलती है जिससे अगर आप एक आग करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेलर में कहानी ना के बराबर है। लेकिन फिर भी जो पूरे टेलर में उन्हें थोड़ा बहुत बताया है ना उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं। और तो और दिखाने की चीज़ें हो जो होती है ना उसे छोड़ के बाकी सब कुछ दिखा है, वो भी घटिया एडिटिंग के साथ। इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अगर ऐसा करके दिखा दूँ तो कुछ ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा देखने लिए भी नहीं है जो कि अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे गूज़बम्स आ जाएंगे जैसे आते हैं। एरर में एक वाला तो सीन आता है, उस जगह पे अगर आप वो सीन देखोगे तो आपको सलमान भाई की जो इज्जत है ना वो आपके मन में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो वाला स्टंट है ना वो सिर्फ सलमान भाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ किया है, टाइगर भाई ने भी किया है, उस लेवल का नहीं लेकिन हाँ करने की कोशिश की है। तो इसी कारण टेलर में स्टोरी तो एक साइड कर दी है और एक्शन है ना वो पूरी तरह से उभर के दिखाने की कोशिश की है, जो कि इलॉजिकल है, ऐसा कुछ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक बेकार एडिटिंग के साथ और अच्छे खासे म्यूजिक के साथ और थोड़े बहुत गाने और थोड़ा बहुत रोमांटिक और बेकार सी कॉमेडी के साथ उन्होंने ऐसे एक्शन को एडिट किया है, सिर्फ एक्शन को और 6 पैक्स को उन्होंने अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है, जो कि मूवी में हर एक मूवी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और पुरानी मूवी का रेफरेंस दिया है, लेकिन फ्रेंचाइजी कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी उसका संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन टेलर उतना भी कुछ खास नहीं है। हाँ उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन बनाया है क्यों, इतनी घटिया एडिटिंग की क्यों। तो बस आज के वीडियो में इतना है, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला घंटा है ना उसे भी दबा दो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा। तो बस मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।